बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब। और मेरा नाम आफ्ताब हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आफ्ताब जो यह ब्लॉग्स। और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। अल्लाह के फजल करम शुक्र आप नए ब्लॉग ही करते हैं स्टार्टिंग। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करेगा, शुक्रिया। और अभी आप जैसे देख रहे हो कि आज मैं दरगाह पे आया हूँ और ये हमारे गाँव के पास में एक दरगाह है पीर कमल शाह की, और आज यहाँ पे उर्स है। तो अभी अपने उर्स के अंदर आए हुए थे और मैं अभी दरगाह के मैंने ज्यारत कर ली है, लेकिन आप लोगों को मैं ज्यारत करवा दूँगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। और मगरिब की नमाज भी कर ली है तो अभी अपने जा रहे हैं। इधर एक प्रोग्राम है सही, और ये भाई और भी मेरे साथ आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अभी यहाँ पे रात को ना मुलाद शरीफ का प्रोग्राम होगा तो अपने वहीं पर जा रहे हैं। आप जैसे देख रहे हो कि इस साइड पूरा मुलाद शरीफ का प्रोग्राम होगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि रात को कहाँ पे प्रोग्राम होगा। और अभी यहाँ पे रात को मुलाद शरीफ का प्रोग्राम होगा। आप ये देख रहे हो जैसे स्टेज वगैरह और टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं क्योंकि ठंड का टाइम है, तो ऊपर कोई ना कोई ढकने के लिए छत चाहिए। तो ये आप जुमर भी देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है ये भी, और वहाँ पर सामने स्टेज लग रहा है। बाकी अभी अपने जा रहे हैं पिछले, क्योंकि वहाँ पर ना लंगर लगा होता है तो अपने लंगर खाने जा रहे हैं। हर साल तो अपने को लंगर मिल जाता है, आज देखते हैं अपने को लंगर मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। और पीछे आप पीर कमल शाह की दरगाह भी देख सकते हो, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आप ये लंगर की सब्जी वगैरह देख रहे हो यहाँ पे, जो उधर हलवा भी है और ये हलवा देख रहे हो, इन सब के अंदर हलवा ही हलवा है। और उधर अपना जो छोले पूड़ी का प्रोग्राम है वहाँ पे छोले की दाल है और उधर पूड़ी बन रही है। और अभी मैं आप लोगों को पूड़ी भी दिखा देता हूँ कहाँ पे बन रही है, चलते हैं अपने वहीं पे। अभी ये देख रहा गर्मा गर्म पूड़ी बन रही है अपने यहाँ। और भाई ये मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। और अभी आपने जैसे मेरे पीछे देखा कि इधर पूड़ी बन रही है, उधर छोले की दाल तैयार है और उधर हलवा भी बन रहा है। अरे ऐसे करके यहाँ पे लंगर लगेगा और अभी बस फातिहा पढ़ेंगे इस लंगर पे, उसके बाद सभी को तकसीम कर देंगे तो फिर अपने भी इंशाल्लाह यहाँ पे लंगर खा के जाएंगे। बाकी अभी अपने और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो मेरे को भाई साहब ठंड काफ़ी लग रही है, इसलिए मैंने अभी लोही ले रखी है। हमारी लैंग्वेज हम इसे लोही बोलते हैं और इसे शोल भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये भी आ गए सलमान। वालेकुम सलाम जायद, ये तो आपको पहली दिखाई देगा। अभी ये नया अपने अबू के साथ यहाँ पे आ चुके हैं और अभी जो लंगर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी अपने बैठे हैं और मेरे साथ इधर मोइनुद्दीन है और इधर खलीलुद्दीन है, और ये हमारे दोनों जो हजर सैयद साहब हैं उनके बेटे हैं। और ये अपना हलवा आ चुका है और अभी अपनी बिस्मिल्लाह करते हैं और खाते हैं। रख फिर मैं और अपनों ने जो डिनर है वो इस जगह पे कर लिया था, नॉर्मल पब्लिक के लिए वहाँ पे उधर जगह बनी हुई है तो, लेकिन अपनों ने यहीं पे बैठ के डिनर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्यों? और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मौलवी जो हैं वही बैठ के यहाँ पे डिनर कर सकते हैं, जो भी तकरीर का हिस्सा बनेंगे ऊपर जो स्टेज का हिस्सा बनेंगे। और जब मैं बैठा था तो मेरे सामने आपने देखा कि वहाँ पे हमारे जो हजरत है सैयद साहब हैं उनके जो बेटे थे वो खाना खा रहे थे, तो फिर वहाँ पे बैठ के अपनों ने भी खाना खा लिया उनके साथ, तो इसीलिए वहाँ पे अभी अच्छा अपना थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट हो गया था। और बाकी अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये स्टेज देख सकते हो, यहाँ पे मुलाशी का प्रोग्राम होगा, यहाँ पे ये बैनर भी लगेगा क्योंकि अभी टाइम लगेगा। अभी ये बैनर लगाने वाला पड़ा और भी कुछ, अभी तक स्पीकर वाले अभी आए हैं वो देख रहे हैं साउंड सिस्टम वाले, तो अभी साउंड सिस्टम लगाएंगे तो फिर ये पूरा इंशाल्लाह जज जाएगा। बाकी ये देख रहे हो आप ऑल इंडिया ओलमा एंड मशायद बोर्ड यूनिट हनुमानगढ़। और अभी अपने दरगाह शरीफ की तरफ आ चुके हैं और अभी हम वापस घर पे जा रहे हैं। और अभी हम मुलाद शरीफ का प्रोग्राम नहीं सुनेंगे क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है और हम आए भी बाइक पे हैं तो काफ़ी देर रात हो जाएगी, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं बाइक के साथ आया था। और अभी हम घर को वापस जा रहे हैं और अब चार जने एक बाइक पर जाएंगे, ये सोफिया और ये जायद और एक मैं और एक मेरे भाई जो बुआ जी के बेटे हैं, वो हम चार जने हैं। चार जने देखते हैं कैसे पूरे आएंगे, कैसे ना कैसे बाइक पर पूरे आई जाएंगे इंशाल्लाह। और अभी हम चार जने देख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज अगला दिन है और अभी अब जैसे देख रही हो कि काफ़ी ज़्यादा फोग आ चुकी है, और जब मैं सुबह फजर की नमाज अदा करने गया था तो बिल्कुल ही फोग नहीं थी, बिल्कुल साफ मौसम था, लेकिन अभी एकदम से फोग आ गया काफ़ी सारी। और ये मेरी सीजन की पहली फोग है यहाँ पे, पहले मैं सऊदी था तो फिर ऐसा मेरे को मंजर दिखा नहीं, और आज देख रहे हो आप माशाल्लाह मेरे को तो फोग काफ़ी
अच्छी लगती है इंशाल्लाह। अब अपने ना प्लान बनाएंगे किधर, इधर मनाली या इधर अपने कश्मीर वगैरह जाने का। बाकी आज 26 जनवरी है, तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज के दिन जो अपना संविधान था वो लागू हुआ था, लेकिन कुछ जो संविधान के नियम थे वो पहले भी लागू हो गए थे, लेकिन आज जो टोटल जो पूरा संविधान ये पूरा लागू हो गया था, तो इसीलिए आज फ्लैग होस्टिंग होगी। तो फिर मैं अभी बस जा रहा हूँ हमारे गाँव के स्कूल में और वहाँ पर अपने फ्लैग होस्टिंग करते हैं और फिर वहाँ पर जाके आगे देखते हैं क्या होगा। और आप मेरे मुँह से भाव भी देख सकते हो कैसी आ रही है। तो बाकी अभी अपने चलते हैं और अभी मैंने चाय वगैरह पी ली और अभी साथ में मैंने मेरे शॉल ले लिए, तो अभी अपने जा रहे हैं स्कूल के अंदर जो हमारे गांव का स्कूल है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे गांव के अंदर दो स्कूल हैं, एक प्राइवेट स्कूल है एक गवर्नमेंट स्कूल है, कि प्राइवेट के अंदर जाए या गवर्नमेंट के अंदर जाए। प्राइवेट स्कूल तो वो स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी कच्ची और पक्की और पहली और दूसरी मतलब 4 साल मैं वहाँ पर पढ़ा था, और गवर्नमेंट के अंदर मैं कभी नहीं पढ़ा। बाकी अभी देख सोच रहे हैं, पहले अपने जा रहे हैं हमारे प्राइवेट स्कूल के अंदर, अगर वहाँ पे टाइम लगेगा तो फिर अपने गवर्नमेंट के अंदर चले जाएंगे। और आज अपने आए हैं श्री ख्वाजा पब्लिक जो हमारा प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे, ये पहले दूसरी साइड हुआ करता था जहाँ पे मैं पढ़ता था, लेकिन अभी इसकी जो बिल्डिंग है वो चेंज कर दी गई है, तो अभी अपने दूसरी बिल्डिंग के अंदर आए हैं और अभी ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, तो अभी अपने वहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। और ये आप स्कूल के कमरे वगैरह देख रहे हो कि ये बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, अभी ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा और क्लासेस यहाँ पे लगेगी। बाकी फ्लैग होस्टिंग हो चुका है, मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर अपने ऊपर चलते हैं बाकी प्रोग्राम देखते हैं इंशाल्लाह। और अभी अपने ना थोड़ा लेट हो गया, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो चुकी है जैसे आप देख रहे हो, और ये अभी इसके बाद में कोई परफॉर्मेंस देगा जो कि देशभक्ति। और अभी बॉयज का डांस आ चुका है, अपने मैं आपको डांस दिखा दूंगा, लेकिन सॉन्ग आपको थोड़ा कम ही सुनाई देगा, कॉपीराइट आ जाता है फिर दिक्कत हो जाती है। तो अभी ये बॉयज डांस करेंगे और इसके अंदर सबसे शरारती बच्चा भी है अपने गांव का। अब इसके बाद में एक और देशभक्ति सॉन्ग है और आप लोग जानती हो चाय है तो जान है और जान है तो जहान है, तो अभी अपने चाय पियेंगे। जासमीन अलका जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो तर जाएगी। दानी प्यार नाप तोल के कंडा कटी दा स्पीकर ते बोल के सानू आंदा नी प्यार बंदे कुंडले गदी दी डिग्गी खोल के नी लाके तन पग बल्ली। और अभी फो खत्म हो गई जैसे आप देख रहे हो, सूरज काफी अच्छा निकल रहा है और काफी अच्छी धूप आ रही है। अब इसके बाद में देशभक्ति सॉन्ग पे और अभी बस ये लास्ट प्रोग्राम है इसके बाद। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है उन सभी को ये गिफ्ट दिया जाएगा, एक पेंसिल और एक रबर। और ये सारे मेरे गांव वाले बच्चे आप देख रहे हो। अच्छा सब्सक्राइबर, थैंक यू शुक्रिया सारा। और बाकी ये सारे इस स्कूल में पढ़ते हैं। मैक डाल अच्छी सी 26 जनवरी देखो, देखेंगे ये बैठ जाओ, यदि बैठोगे तो चलाओ नहीं तो प्रोग्राम बंद कर दूंगा यहीं पे। अब बच्चे पूरी आयु देखा न बच्चे मेरा तन पर दे।
और जी अभी लाइट चली गई है तो प्रोग्राम वैसे तो 11 बजे काफी लंबा हो गया, इतना लंबा प्रोग्राम नहीं था फिर भी काफी लंबा हो गया। बाकी आपने देखा कि काफी बच्चों ने एंजॉय किया, इसी बहाने इनका ये एंजॉयमेंट कर लेते हैं। बाकी एनुअल फंक्शन वगैरह कुछ होता नहीं, 26 जनवरी और 15 अगस्त होता है सिर्फ यहाँ पे, तो 26 जनवरी थी आज, फिर काफी एंजॉय किया सभी ने। बाकी अभी देखते हैं आगे क्या बनता है, क्या सीन बनता है। वो आगे आ जाए और अपने इनाम ले जाए, कक्षा 8 वाले आओ पहले। और अभी जैसे आप लोगों को सुन लिया कि अभी इनाम देंगे, इनाम में क्या है, एक तो पेंसिल और एक रबड़, ये देख रहे हो। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तभी से यही इनाम चलता है, एक पेंसिल एक रबड़, हर एक 15 अगस्त पे, हर एक 26 जनवरी पे। और जो ये बैठे ये मेरे ताया जी हैं, सबसे बड़े ताया जी, ये सभी इसको इनाम दे रहे हैं, एक पेंसिल और एक रबड़। और अभी जैसे आपने देखा कि आज का प्रोग्राम है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा था, और अभी ख़त्म भी हो चुका है लगभग सारा, तो अभी अपने जा रहे हैं घर पे। बाकी सभी को पेंसिल और रबड़ दिया जा रहा है, बाकी कुछ को शॉर्पनर भी दिया जा रहा है जो बड़े क्लास के हैं। और ये स्कूल का प्रोग्राम खत्म हो चुका है और ये बच्चे अभी सारे घर पे जा रहे हैं, तो ये लास्ट बार बोल रहे थे हमें व्लॉग में फिर से लाओ, तो इसीलिए फिर से आ चुके हैं जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे। बाकी इधर भी रुके हुए हैं, और ये भाई ने डांस किया था चिट्टा कुर्ता अली बढ़ गया वाले में, आप जिसने देखा होगा आपने। बाकी आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करिए, इसको आगे शेयर करिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपको मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, खुशी का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय।